बार बार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं सर इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS के रिजल्ट के बारे में कुछ अपडेट दीजिएगा, आपने 2-3 दिन से कोई अपडेट ही नहीं दिया है और हम पागल हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि विभिन्न सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं खबरें आ रही है कि रिजल्ट जारी हो चुका है। क्या सर रिजल्ट आ गया है? क्या कुछ राज्यों का रिजल्ट आ गया है? इस प्रकार से कहीं ना कहीं ऐसी खबरें बच्चों के पास आ रही है। अब वो हमसे संपर्क कर रहे हैं क्योंकि वो हम पर भरोसा करते हैं। रिजल्ट के बारे में आज 9 मार्च हो चुका है, शाम के 6 बज रहे हैं, अब तक का मैं अपडेट आपको दे रहा हूं। क्या कुछ ऑफिशियली अपडेट है तो बिना टाइम गवाए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। तो दोस्तों बड़ा अपडेट है आपके लिए, लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सच्चाई आपको पसंद अगर आती है तो धीरे से अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके देख लीजिए, जिंदगी बन जाएगी, भविष्य में काम आएगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS साइकिल 5 40,889 भर्ती 2023, रिजल्ट का बड़ा इंतजार है। लाखों अभ्यर्थियों को पूरे भारत देश के अलग अलग राज्य के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट किस दिन आएगा, किस समय पर आएगा। तो दोस्तों हाल ही में अभी मैंने आपको इससे पहले एक अपडेट दिया था, उसमें पोस्टर पर लिखा हुआ था रिजल्ट 13 मार्च को आएगा। पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि 13 मार्च की मैंने क्यों बोला। आपके ऑल इंडिया GDS यूनियन के जो महासचिव है SS महादेविया जी, उन्होंने अपने कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग जानकारी दी है, उन्होंने डायरेक्टर से बात की है और बताया है कि हमको डायरेक्टर के द्वारा यह कहा गया है कि रिजल्ट 6 मार्च को नहीं आएगा, क्योंकि ये 6 मार्च को ही उन्होंने जानकारी दी, तो 6 मार्च को रिजल्ट नहीं आएगा। और उन्होंने बताया था कि 13 मार्च से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, और एक और जानकारी दी थी कुछ सर्किल का रिजल्ट पहले आएगा, धीरे धीरे करके इस बार रिजल्ट आएगा। इससे पहले जब भर्तियां थी साइकिल 4 की, उसमें एक साथ सभी 23 सर्किल का रिजल्ट आता, लेकिन इस बार बड़ा कहीं ना कहीं बदलाव ऐसा देखा जाएगा। तो आपको मैंने कुछ तिथियां लिख दी है, आज 9 मार्च हो चुका है, आज रिजल्ट आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों आज के बाद 10 मार्च रहेगा, क्या 10 मार्च को रिजल्ट आ सकता है? जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपका 10 मार्च को रिजल्ट आ सकता है। अब दोस्तों 10 मार्च की मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया है, ना ही कोई ऑफिशियली ऐसा अपडेट दिया है कि आपका रिजल्ट 13 मार्च को फिक्स आएगा। डायरेक्टर ने इतना कहा है कि 13 मार्च के समथिंग आपके रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये अब होलीडे छुट्टी तो आपकी समाप्त हो चुकी है होली की, अब वर्किंग डे चल रहे हैं बिल्कुल, और ऑफिस से खुली हुई है। 10 मार्च को भी आपका रिजल्ट आ सकता है कुछ सर्किल का, 11 मार्च को भी आ सकता है, 12 मार्च को भी आ सकता है, और 12 मार्च के बाद 13 मार्च आपका आ ही जाता है, और 13 मार्च की उन्होंने कहा ही है, तो 13 मार्च को संभावित कुछ सर्किल का रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी सर्किल के पहले आएंगे, ठीक है? क्या 13 मार्च को ही रिजल्ट आएगा, उसके बाद नहीं आएगा? नहीं दोस्तों, कुछ सर्किल के रिजल्ट अगर 13 मार्च से आ जाने शुरू हो जाते हैं तो बाकी 14 मार्च को बचे हुए सर्किल के रिजल्ट आएंगे, बाकी 15 मार्च को भी कुछ सर्किल बच सकते हैं उनके रिजल्ट आएंगे, और आपके 16 मार्च को भी कुछ ना कुछ जो है सर्किल बच सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सूत्र है ये अपने पास कि इस बार एक साथ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कंफ्यूज में कहीं ना कहीं बन गए हैं कि अलग अलग तिथियां हमारे पास है। 13 मार्च को हमने पकड़ लिया है क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से इस बात को बोला है, लेकिन 13 मार्च के पहले भी 3 दिन आपको है, 10, 11, 12 मार्च, और 13 मार्च के बाद भी 3 दिन है। वाकई दोस्तों बिल्कुल श्योर समझिए, सटीक जानकारी दे रहा हूं, 13 मार्च के 3 दिन पहले भी रिजल्ट आ सकता है और 13 मार्च के 3 दिन बाद भी रिजल्ट आना शुरू हो सकता है, ये श्योर है बिल्कुल, ठीक है? अब जो आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं उनका मैं जवाब दे देता हूं, पहले किस राज्य और सर्किल का रिजल्ट आएगा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, किसी भी सर्किल का कोई भी फिक्स नहीं है,
कि कौन से राज्य और सर्किल का पहले रिजल्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा अपडेट है बाद में किस राज्य और सर्किल का आएगा। पहले तो आप जो कुछ सर्किल का रिजल्ट आना है उनको आने दीजिए, उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। आप इतने खतरनाक सवाल करते हो, सर बाद में कौन सी सर्किल के रिजल्ट आएंगे, पहले कौन सी सर्किल के रिजल्ट आएंगे, कोई ऑफिशियली ऐसी जानकारी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, तभी तो मेरी बात कड़वी लगती है आप लोगों को, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूं ईमानदारी सत्यता और सटीकता के साथ करता हूं, ऑफिशियली अपडेट नहीं है, क्यों फालतू आपको पागल बनाऊं। ठीक है, नेक्स्ट कितनी वेटिंग लिस्ट आएगी, तो दोस्तों पिछला मैं आपको बता सकता हूं साइकिल 4 का 7 वेटिंग लिस्ट आई, और अब की बार कितनी आएगी ये कोई नहीं बता सकता। आपको मैं बता दूं, जब पहली लिस्ट आएगी उसमें हजारों कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, अब उन हजारों में से किसने अपनी फर्जी परसेंटेज दर्शाई है, किसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो चीज डिपेंड करती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। इस बार कितना फर्जी बाड़ा किया है बच्चों ने, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अनुमान लगा सकते हैं। आपकी जब पहली लिस्ट आएगी तब मालूम चल जाएगा कि कितनी वेटिंग लिस्ट आएगी, सब कुछ अपडेट दे दूंगा। 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, टेंशन मत कीजिए, पुरानी बच्चे सब जानते हैं मेरे बारे में, जो 2022 से जुड़ रहे हैं ना, पूरा पता है कि अभी से क्लासेस क्या है, तो आप नए कैंडिडेट हो इसलिए आपको ये पता नहीं है। ठीक है, ए से जेड तक जानकारी मिलेगी यहां पर, सावधान रहना। अंतिम लिस्ट सबसे कम कट ऑफ कितना जाएगा, तो दोस्तों अंतिम लिस्ट जो आएंगी उसकी कट ऑफ कितनी डाउन गिरेगी, वाकई आपका मजेदार सवाल है, लेकिन मैं बता दूं अंतिम लिस्ट में कितनी कट ऑफ लॉ गिरेगी इसका अनुमान हम पहली लिस्ट से ही लगा सकते हैं। अब जैसे आपकी पहली लिस्ट जारी हुई, पहली लिस्ट में क्या पता 90 वालों का सिलेक्शन हो, क्या पता 80 वालों का सिलेक्शन हो, और क्या पता 95% वालों का सिलेक्शन हो, ये किसी को नहीं पता ना, केवल अनुमान लगा रहे हैं अपन, और पहली लिस्ट आएगी तो ही हम इस चीज का जिक्र करेंगे। अब इस वीडियो को बनाने का आखिर मकसद क्या है, क्या अपडेट दिया है सर आपने, कुछ भी नहीं दिया है, ये तो हमें ही पता है कि 13 मार्च के समथिंग रिजल्ट आएगा, आपने क्या बताया है, समझदार के लिए इशारा काफी है मेरे भाई। अगर आपको सावधान रहना है तो रह लीजिए, हर समय अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सर्च ना करें रिजल्ट को लेकर, नहीं तो आपका समय खराब होगा। कोई ऑफिशियली ऐसा जिक्र नहीं है, सबसे पहले अगर आपको जानकारी मिलेगी तो आपको इस ऑफिशियल साइट पर मिलेगी, इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन करके ये साइट है, गूगल पर सर्च मार लेना, सबसे ऊपर ही ऊपर की साइड खुलकर आ जाएगी साइड, नहीं पता तो ये देख लीजिए, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहां पर रिजल्ट का कोई विंडो नहीं है, जैसे ही रिजल्ट जारी होगा यहां पर रिजल्ट लिख दिया जाएगा, तो उसमें आप देख लेना, बाकी इतना आप झंझट नहीं कर सकते, तो आपके लिए मैं खड़ा हूं, सबसे पहले अपडेट मिलेगी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जितने भी राज्य की लिस्ट आएंगी सबसे पहले अपडेट करा दूंगा, यूट्यूब चैनल पर तो आपको सबसे पहले अपडेट दे दूंगा, चाहे रात के 12 बजे आपका रिजल्ट क्यों ना आए, यहीं पर पहले जानकारी मिल जाएगी, टेंशन ना करें। जो बच्चे कह रहे थे सर इधर उधर रिजल्ट आ रहे हैं, क्या वाकई रिजल्ट आ गया है, पहले से भी कहता आ रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि जब तक यह भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट आते रहेंगे, रोज सिलेक्शन होते रहेंगे, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहां क्या कर रहे हो ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो जो भी बात करता हूं ऑफिशियली बात करता हूं। अब ये 13 मार्च का जो आंकड़ा दिया है ऑफिशियल ही दिया है, मेरी मन पसंद से मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। ठीक है दोस्तों, बाकी बने रहिए आप अभिषेक क्लासेस के साथ, कोई अपडेट लगेगी मुझे कि कौन से राज्य का पहले आएगा, किस तिथि को आएगा, तो बता दूंगा, टेंशन मत कीजिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फोन करके भी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि मोबाइल नंबर मैंने दे रखे है, या आपके लिए ही दे रखे है, क्योंकि जो पहली बार GDS का फॉर्म अप्लाई किया है वो नहीं समझते क्या कोई सिस्टम है, तो धैर्यपूर्वक काम लीजिए, ठंडे दिमाग को रखकर कहीं ना कहीं आप अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, ये मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं। ठीक है दोस्तों, सब्र रखिए, बार बार कहीं ना कहीं झूठी भ्रमित बातों का शिकार ना होइएगा, कोई अब तक ऑफिशियली अपडेट नहीं है, कोई रिजल्ट एक भी सर्किल का नहीं आया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर नया कोई अपडेट है नहीं, बाकी जब भी कोई आएगा सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और मैंने आपको ये तिथियां बताई दी है।
ठीक है दोस्तों, बने रहिए अभी से क्लासेस के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी दोस्तों आपको कट ऑफ जानने हैं तो आप जो है मैंने वीडियो बना रखी है वो सब देख लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।